अब हम पढ़ेंगे साइड रेशियोज फॉर्मूला। साइड रेशियो फॉर्मूलाज क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ना, ए बी सी। सो साइड रेशियो फॉर्मूला निकालने के होगा क्या, जैसे एक हमने ऐसा सुना हुआ है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। चलिए जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके लिए है ना, देखते हैं हम कि 90 डिग्री यहाँ बी पे बन रहा है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। अगर आप ये नाम चेंज करना चाहते हैं ट्रायंगल का तो यू कैन। सो इससे अगर देखा जाए तो 90 के सामने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और थीटा एंगल किसको मान लेते, सी को मान लेते। चलिए थीटा एंगल यहाँ मान लिया, थीटा एंगल अगर इसको माना है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा बेस। सो जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप निकालो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या निकालोगे, साइन थीटा हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, कुल मिला के ये है कि आपके पास यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ है, उस एंगल की वजह से यहाँ पे जो साइड्स हैं उनका रेशियो कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं साइड रेशियो फॉर्मूला। यहाँ पे जो भी एंगल है, अब इस एंगल की वजह से यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो अलग होगा, इसका लेंथ होगा अलग, इसका लेंथ अलग होगा अलग, है ना। मतलब कि जो भी एक एंगल है वो तीनों लेंथ पे कुछ ना कुछ मतलब फर्क डालता है, और जो लेंथ है वो एंगल पे कुछ ना कुछ फर्क डालते हैं ऐसा। सो साइन एंगल किस किस के बीच में मतलब दिखाता है कि रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार से अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा निकाल रहे हैं, जैसे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर देखा जाए तो जो बेस और हाइपोटेन्यूज है उसके बीच में जो रेशियो बन रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशियो बन रहा है, साइड के बीच में डिवाइड करने में जो रेशियो बन रहा है वो कौन बना रहा है, कॉस थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो बेस और हाइपोटेन्यूज बना रहा है, बेस क्या है बीसी और जो हाइपोटेन्यूज है वो है एसी। इसके बाद आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास बी सी। कॉट थीटा होता है हमारे पास यहाँ पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो हमारे पास जो बेस है, बेस क्या है बी सी, और जो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी। इसके बाद sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास BC। लास्ट में ये दिए हुए हैं cosec थीटा, कॉसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास यहाँ पे, एसी अपॉन में ए बी। तो सारे हमने यहीं से फिल किए हुए। यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझिएगा आप, जो थीटा एंगल बन रहा है वो सी पे बन रहा है, मतलब थीटा एंगल है वो सी पे। तो जैसे साइन थीटा बन रहा है तो साइन थीटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में दिया रहता है। इसको हम कॉस सी लिख सकते हैं क्योंकि थीटा एंगल का बना है सी पे बना है, ऐसा बात समझ में। टेन सी या जाएगा कॉट सी या जाएगा सेक, और यहां पे आ जाएगा कॉसेक पे आ जाएगा कॉसेक। ठीक है सर, अभी यही चीज अगर मैं सिमिलरली अगर यही चीज मैं थीटा एंगल उठा बदल दूं, मतलब थीटा एंगल यहां पे चाहिए, ठीक है, तो मैं थीटा एंगल ए एंगल यहां बना लेता हूँ, थीटा एंगल ए यहां पे है ना। तो आ जाएगा साइन
थीटा या ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, बात बराबर। मतलब ये पूरा वाला एंगल ए के लिए लिखेंगे हम लोग, और ये जो पूरा लिखा हुआ है वो एंगल सी पे जब थीटा था तब लिखा हुआ, जब एंगल सी पे थीटा था तब यहाँ लिखा हुआ था, जब एंगल ए पे थीटा है तब आप ये वाला रेशियो लिखेंगे, है ना। तो मान लीजिए एंगल ए पे थीटा है, अगर एंगल ए पे थीटा है तो ये थीटा एंगल यहाँ पे आएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर चेंज आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ और बेस। तो यहां से अगर देखें हम तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब यहां से देखो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, एसी, खत्म। ऐसे करते हैं क्वेश्चन साइन, अगर जैसे मैं निकालना है यहां पे कॉस ए, तो वही कॉस ए कॉस थीटा सब बराबर है, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, तो बेस कितना है आपके पास वो देखिए, बेस है AB, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है वो कितना है AC, इसको हम मिटा के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कॉस के बाद क्या जाएगा tan, तो tan A is equal to tan theta, tan theta क्या जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आपके पास BC, और आपके पास बेस कितना है बेस आपके पास AB, cot A, cot A किसके बराबर आ जाएगा cot theta के बराबर आ जाएगा। अब यहां पे जो cot theta है वो कितना होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सो बेस कितना है आपके पास हमारे यहां पे AB, परपेंडिकुलर कितना है BC, फिर आपके पास आ जाएगा cot के बाद हम लिख लेते हैं sec theta या sec A लिख लीजिए, आ जाएगा sec theta क्या हो जाएगा आपके पास hypotenuse upon base, hypotenuse कितना है AC, ठीक है, और base कितना है आपके पास यहाँ पे AB। आखिरी में cosec A या cosec theta is equal to hypotenuse upon में perpendicular, यहाँ पे AC की वैल्यू दी हुई है हमें, अब जो हमारे पास hypotenuse है hypotenuse कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे hypotenuse AC, और perpendicular कितना दिया हुआ है perpendicular हमें यहाँ पे दिया हुआ है BC, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बनाने की बात हो गई, थीटा एंगल चेंज करने की बात हो गई कि थीटा एंगल चेंज करते हैं तो क्या फर्क कैसे पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ना इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां पे मैं इसके बाद इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है, चलिए इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट कैसे आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा साइड रेशियो फॉर्मूला एक ट्राइंगल के लिए, कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, अब चाहे थीटा एंगल ऊपर बनाइए चाहे नीचे, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी हमने मान लिया, और यहाँ पे थीटा एंगल ये 90 डिग्री मान लिया, और थीटा एंगल हम यहाँ पे बी को माने चाहे ए को माने किसी को भी मान सकते हैं, मैं यहाँ लिख ही दिया हूँ। आपको याद कैसे करना है, आप याद इसको कैसे करेंगे, पी B, P और H, H, B, ठीक है, P, B, P और H, H, B, ठीक है। सबसे पहला इसको याद कैसे करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसे P, B, P, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ऐसे याद करना है। तो आपके इसको याद मतलब ऐसे क्यों लिखवाया है वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे आप साइन, साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, लट्टा कैसे मारना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो ऐसे लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहां लिखेंगे साइन कॉस टेन, उसके बाद नीचे लिखेंगे कॉट सेट कॉसेक, सीक्वेंस यही याद करना है,
जो मैं सीक्वेंस याद कराता हूँ बच्चों को, या जिस सीक्वेंस से मुझे रिमेम्बर है या मुझे जॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान भूकंप कैसे हिंदुस्तान हरा भरा। याद क्या करना है सीक्वेंस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट। क्या है सीक्वेंस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट, साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट। सो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट ये हमारे पास है, एंड इसको अब हम क्या करेंगे, बॉक्स में लगा लेंगे ऐसे, ये बॉक्स में लगा लेंगे। तो पाकिस्तान भूखा पे ऐसा लिखा, हिंदुस्तान हरा भरा लिखा, उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट उल्टा लिखना, दिख रहा होगा ऐसे समझ में आ रहा होगा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कॉस का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ, ऐसे याद किया जाता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, देन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एट, ऐसे याद किया जाता है। ये साइड रेशियो फॉर्मूला के लिए वीडियो था। इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होने वाले क्वेश्चन से 8.1 में ये उस पे एप्लीकेबल होगा, ये उसके लिए मतलब यूज आएगा वहां पे। सो ये पहले बता दिया है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू।